कैथल नगर परिषद के चेयरपर्सन सीमा कश्यप के पिता सुरेश कश्यप और भाई शिव कश्यप को विजिलेंस ने ठेकेदार से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 50 लाख रुपए के चेक पर चेयरपर्सन से हस्ताक्षर करवाने के एवज में ठेकेदार से 4.5 लाख रुपए मांगे थे। विजिलेंस ने चेयरपर्सन सीमा उनके पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेकर चेयरपर्सन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ठेकेदार बलबीर सिंह ने बताया कि उसने कैथल नगर परिषद में डोर टू डोर कचरा उठान का टेंडर लिया हुआ है। उसके लिए कई माह का भुगतान नगर परिषद में रुका हुआ था। 28 अप्रैल को चेक पर ईओ सहित अन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद करीब 50 लाख रुपए की राशि का ये चेक हस्ताक्षर के लिए चेयरपर्सन के पास भेजा गया था, जहां उनके पिता ने कहा कि ठेकेदार को भेज देना। आरोप है कि उसने चेयरपर्सन के पिता से संपर्क किया तो उसने 4.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। उसने कहा कि ये राशि वह नहीं दे सकता, बैंक से चेक भुगतान के बाद वह दे देगा, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद उसने चेयरपर्सन से भी बातचीत की। आरोप है कि चेयरपर्सन ने भी यही कहा कि पहले उसके पिता की बात सुनी जाए। उसके बाद उसने सुरेश कश्यप से बात की और कहा कि उसके पास 4.5 लाख रुपए तो नहीं है, 3 लाख रुपए है, बाकी रकम है बाद में दे देगा। उसके हामी भरने पर उसने विजिलेंस को सूचित किया। उसके बाद ठेकेदार ने निर्धारित योजना के तहत सीमा कश्यप के घर के निकट बनाए गए कार्यालय में जाकर 3 लाख रुपए सुरेश कश्यप को दे दिए, जिसे उसने अपने बेटे शिव को दिया। उसके बाद इशारा मिलते ही विजिलेंस टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह के साथ छापा मारकर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। मामला ऐसा है, एक ठेकेदार है बलबीर सिंह, उसके चेक के उसके जो काम के उसके पैसे देने थे वो चेक नहीं दे रहे थे उसका जी। उसकी वजह में 4.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था जी। 3 लाख में सेटल हुई और 3 लाख में इसको सीमा कश्यप के प्रधान के पिता सुरेश कश्यप और उसके भाई सीमा कश्यप को अरेस्ट किया। सर किन की शिकायत पे ये हुआ है? सर बलबीर सिंह है ठेकेदार, उसकी बिल्कुल तो टीम में कौन कौन शामिल थे अरेस्ट करने के? टीम में मैं खुद हूँ, मेरे मुलाजिम है एएसआई इंस्पेक्टर सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी सर, टोटल कितने बंदे पकड़े गए हैं? दो पकड़े गए हैं। क्या क्या नाम है उनके? सुरेश कश्यप और शिवा कश्यप, पिता और बेटी पकड़े हैं। हाँ बाप और बेटा। कोई रिश्वत लेता है, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे पुलिस कर्मचारी कोई हो, उनकी फोटो जो है वो फट दे से अपलोड की जाती है, क्या ऐसा कोई दबाव है कि उनके आप फोटो वगैरह वो जो सामने ले जा रहे? अभी 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 हम थोड़ा काम कर रहे हैं, काम कर लें उसके बाद सब कुछ होगा, बिल्कुल मना नहीं करेंगे आपको। कितना टाइम है सर? अभी 1 घंटे बाद हम काम कम्प्लीट करके उसके बाद जैसे मर्जी करें ले फोटो, हमने बता देनी है। तो राशि उसे कितनी थी सर? 3 लाख रुपए उसकी परमिशन लेनी होती है में, वो प्रतिनिधि डायरेक्टर अरेस्ट नहीं कर सकते, परमिशन लेंगे अरेस्ट करेंगे उसको। टीम जो कैथल की थी सर? हाँ कैथल की टीम है। शिकायत कहाँ की गई थी सर? शिकायत भी यही मिली थी, मेरे कार्यालय में आया था। गिरफ्तारी गली नंबर 8 है, अपना कौन सी कॉलोनी है? अमरगढ़ कामड़ी गली नंबर 8 में दफ्तर है, वहाँ से अरेस्ट किया। शिकायत यही थी भाई, ठेकेदार के जो पैसे थे ना चेक, उसका चेक नहीं डिलीवर कर रहे थे, प्रधान के साइन होते हैं, इसका ठेका था कूड़ा, घर घर से कूड़ा उठाने का ठेका था। दो टू दो कितनी राशि मांगी थी और कितनी? 4.5 लाख मांगी थी, 3 में सेटल हुई, 3 ही ब्राउन हुए। तो रेड एंड रेड एंड रेड दोनों को रेड एंड पकड़ा। तो मुकदमा 3 जनों के खिलाफ हुआ है जी, एक तो सीमा कश्यप, हाँ, एक सुरेश कश्यप और एक उनका बेटा शिवा कश्यप। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर? अब 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, मेडिकल को कराएंगे, अभी कार्रवाई चल रही है, थोड़ी रह रही है, जो कुछ होगी कुछ रह रही है। खबरनामा हरियाणा के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।